मैं खुशी के बारे में सोच रहा था, अगर वो करवट बदलते हुए नीचे गिर गई तो? खुशी बेड से नहीं गिरती है, वो बड़ी हो गई है, और वैसे भी इसकी माँ है इसके साथ, खुशी को कुछ नहीं होगा। तब भी तो थी ना, फिर भी उसके साथ बुरा हुआ ना। खैर छोड़ो इन सब बातों को, इस बारे में बात नहीं करते, सो जाते हैं। मम्मा पापा। अरे सुरभि, मैंने क्या हुआ खुशी, कुछ चाहिए आपको? पापा यह नीचे क्यों सोया है? मुझे आप दोनों के साथ सोना है। नहीं बेटा, मैं यहीं पर ठीक हूँ, तुम आराम से सो जाओ। हाँ और मैं भी तो हूँ ना यहाँ पर तुम्हारे पास। पर आप तो एक ही साइड हो, दूसरी साइड तो खाली है, पापा ही वहाँ होने चाहिए। खुशी को बेटा, अब हम दोनों तुम्हारे साथ में आराम से सो जाओ, ओके? शाबाश। पर आप दोनों ने तो मुझे गुड नाइट किस दिया ही नहीं। आवाज मत करो। मैंने कुछ नहीं किया, हाथ छोड़िए मेरा। हिलना मत, आवाज होती है। अरे ऐसे मुझे नींद नहीं आएगी, हाथ छोड़िए मेरा। आ जाएगी नींद, सोने की कोशिश करोगे तो नींद आएगी ना, मेरे बारे में सोचते रहोगे तो ऐसे ही जागती रहोगी। गुड नाइट। पता है मुझे कि आप दोनों क्या कर रहे हो, मेरे सामने एक होने का ड्रामा कर रहे हो, पर मैं भी ना आप दोनों की बेटी हूँ। मैंने गणपति पापा से वादा किया है कि मैं आप दोनों को तो मिला कर ही रहूंगी। दोनों को लड़ाई करना पसंद है ना, तो ठीक है, आप एक और बार ही लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी सूरत तो देखिए, जोकर भी शर्मा जाएगा आपको देखकर। जोकर नहीं, भूत भी डर के मारे भाग जाए। सुबह सुबह दिन की शुरुआत हंसने से करो,
तो सारा दिन खुश रहते हैं। इतने दिनों बाद सुनाई दी कार्तिक और सुरभि की हंसी, इसका मतलब सासू माँ हंसी। तो इधर का बेटा का खुशी की हंसी, इस घर में खुशियाँ बिखेर रही, पिछड़े हुए फिर से मिल रहे। आपकी विदाई की बारी आ गई है सासू। मेरे को काय को शक हो रहा है कि तू अपनी पार्टी बदलने की सोच रहे। अगर ऐसा सोचा भी ना तूने, तो तेरे को मालूम है कि मैं तेरे बारे में फिर कैसे सोचूंगी। अरे अरे नहीं सासू माँ, आप तो हमारी करता धरता हो, हमारी हीरो नंबर वन। आप में हमें फीमेल कंस दिखाई पड़ती, पर वो छोटी खुशी में हमें बेबी कृष्णा भी नजर आती। क्या था कि कंस कृष्णा को मारने गया था, क्या हुआ था, उल्टा कृष्णा ने कंस का वध कर दिया। हमें तो डर है कि कहीं आप वध मेरा नहीं, वध उस खुशी का होगा। कार्तिक और सुरभि, जितना हंसने का है हंस लो रे, इसके बाद अखी जिंदगी तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ रोने का है। कारण तुम दोनों की खुशी को ताई की नजर लग गई है। क्या ना? मैंने तुम्हें अपने बेड पे सोने दिया, उसके बदले में तुमने मेरे साथ ये किया। उल्टा चोर कोटवाल को डांटे, मैं कैसे कर सकती हूँ? सारी रात तो आपने मेरा हाथ पकड़ के रखा था, हाँ? और मैंने नहीं किया, ये सब कुछ आपने किया, आपकी वजह से हुआ है। ये दूसरा हाथ फ्री था ना तुम्हारा, उसी से किया होगा तुमने। झूठी कहीं की नहीं, आपने किया है। तुमने किया है, तुमने किया है, झूठ मत बोलो। मैं सबको दिखाऊंगी। देखने में तो मेरे मम्मी पापा गुस्से वाले लगते हैं, पर असल में तो मेरे मम्मी पापा बहुत फनी हैं। खुशी, ए खुशी, ए खुशी, फोन 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 फोन। अब दूसरों से मजाक उड़ाओगे मेरा? सारी गलती तुम्हारी है, समझी ना? मेरी नहीं, सारी गलती आपकी है। तो हेलो, हमेशा की तरह दूसरों पर ब्लेम थोप दो। ये तुमने नहीं किया, किसने किया ये? मैंने कोई ब्लेम नहीं किया, सब कुछ आपकी गलती है। तुमने किया, झूठ बोल रही है, झूठ बोलती है। बस, ये सब मैंने किया है। कितना आसान है आप दोनों के बीच में गलत फहमी कराना, लड़ाई कराना। कहता कोई और है और आप दोनों एक दूसरे को धमकी मारते हो बिना बात किए। सॉरी, मुझे ये सब करना पड़ा, पर पता कैसे चलता कि आप दोनों एक दूसरे पे कभी भरोसा नहीं करते। पति पप्पा मोरिया, इतने सुबह सुबह क्यों उठ रहा है? मुझे और सोना था। तुम सुबह का नाश्ता शाम को करोगी क्या? सुबह सुबह जल्दी उठ के भगवान को दर्शन करना चाहिए, सबको गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसे सुबह सुबह मुंह फुला के बैठ गई हो। अजी, चलो रहने दे लता, जारी वैसी बहुत डरी हुई है तेरे से। खुशी बेटा, यहाँ आओ। आप आकर मुझे किस दे दो, आ जाओ। अजी, अजी आप मुझसे गुस्सा हो क्या? मैंने कोई गलती करी है तो आप मुझे माफ कर दीजिए।
मैंने सुना है कि असल से सूट बड़ा प्यारा होता है। इसका मतलब आप पापा से 100 गुना ज्यादा मुझसे प्यार करती होगी, है ना जी? हाँ बेटा। कर लो बात, ये तो सुरभि की कार्बन कॉपी निकली। कहाँ एक सुरभि से जान छुड़ाना मुश्किल पड़ रहा था, अब दो दो सुरभि से निपटना पड़ेगा। अब क्या करेंगे सासू माँ? कैसे बताए कैसे जताए सुबह तक तुझ में जीना चाहे, भीगे लबों की गीली हंसी को पीने का मौसम है पीना चाहे। एक बात कहूँ क्या इजाजत है तेरे इश्क की मुझको, आदत है ओ, आदत है, आदत है ओ, तेरी आदत है। सुरभि, कार्तिक, एक मिनट सुरभि। मैं सोच रहा था आज खुशी ने बहुत बड़ी बात की थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में हम दोनों में गलत फहमी हो जिसकी सजा बिना बात पर हम दोनों खुद को दे रहे। सुरभि आज लंच के लिए बाहर चलो। मीटिंग खत्म होते ही सीधा घर आ जाऊंगा, अगर मीटिंग जरूरी नहीं होती तो कैंसिल कर देता। मेरे ख्याल से हम दोनों को बात करके सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए। मैं ऐसे खुशी को अकेले छोड़कर नहीं आ सकती। हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको भी साथ में लेके चल। तो उसके सामने बात कैसे हो पाएगी? वो भी सही है, तो फिर क्या करे? तो घर पर ही बात कर लेते हैं। अभी अभी सुरभि, मेरा मतलब थोड़ा सा टाइम तो दो सोचने के लिए कि बात कहाँ से शुरू करूँ। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, जहाँ पे बात छूटी थी वहीं से शुरू करते हैं, और उसके लिए 4-5 हज़ार रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? लो, मैं बात क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि खर्चे के बारे में सोच रही। किसी को तो सोचना ही पड़ेगा ना, आपको तो सिर्फ खर्चा करना आता है। और वैसे भी आपको जो भी खाना है मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगी। खुशी जब दोपहर में सो जाएगी तो हम बात कर सकते हैं। सुरभि, मैं तुमसे बात क्लियर करना चाहता हूँ, खाना बनवाना नहीं चाहता। हाँ, अगर तुम्हें दिलचस्पी नहीं तो कोई बात नहीं, तुम सीधा बोल दो ना। अरे, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, मैं तो बस आपके पैसे बचाना चाह रही हूँ। मुझे पता है कि हम बाहर जाकर ठीक से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले आप खाना ऑर्डर करेंगे, फिर खाने का इंतजार करेंगे, फिर खाने में नुक्स निकालेंगे, और मेरे हाथ के खाने के अलावा आपको कुछ पसंद भी नहीं आता है। इसलिए मैं आपसे पूछूं, आपको जो भी खाना मुझे बता दें। मेरा मतलब है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है खाना बनाने में, पर अगर आप कहें तो हम बाहर से भी खाना मंगा सकते हैं। नहीं नहीं, रहने दो, घर पे जो बनेगा वो खा लूंगा। मीटिंग जैसे खत्म हो जाएगी सीधा घर आ जाऊंगा। ओके, see you. खुशी का ख्याल रखना। उसे दवाई अच्छे दे देना। ओके, Oh,
सुरभि वो मैं मेरी हर खुशी में हो तेरी खुशी मोहब्बत में ऐसा जरूरी नहीं तू जब मिलना चाहे ना मिल सकूं ना मिलना मेरा कोई दूरी नहीं मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं मोहब्बत दोबारा अगर टक्कर नहीं मारती तो सिंह निकल आती याद है आप कहा करते थे कार्तिक दादा उन्होंने बोला एक बार सर टकराए ना तो दूसरी बार खुद से टकराने का नहीं तो सिंह निकल आते हैं सुरभि तुम इन सब बातों को कब से मानने लगी आज मानने को जी जा रहा है तुझको मनाना मुझे तो आता नहीं पर ये नहीं कि तुझे मैं चाहता नहीं वक्त बदला है जरा सा मैं वही हूँ जाने जा कैसे तुझको बात मैं ये समझाऊं साथिया कैसे खुश तुझे रखूं नहीं पता पर चाहता हूँ तेरे लबों पे हंसी खुशी में हो तेरी खुशी मोहब्बत में ऐसा जरूरी नहीं मेरी हर खुशी में हो तेरी खुशी मोहब्बत में ऐसा जरूरी नहीं तू जब मिलना चाहे ना मिल सकूं ना मिलना मेरा कोई दूरी नहीं मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं मोहब्बत है ये आज खुशी से आपने बहुत बड़ी बात करवा दी पापा मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था हो सकता है ये सच भी हो शायद आज खुशी फिर से हमें एक करवा दे मैं तो अभी भी बचपने में गलतियां करता जाता हूँ पर अगर सुरभि की कोई गलती नहीं है ना तो मैं खुद उससे माफी मांगूंगा गणपति पापा मौर्य एक घर से बात मुझे मेरे पहले वाले कार्तिक दिखाई दिए बहुत कुछ सहा है हम सब ने अब बस आप सब कुछ ठीक कर दीजिए और अपनी कृपा इसी तरह हम सब पर बनाए रखिए पापा
गणपति बप्पा मोरिया। चायला जब तक इस बच्ची का एक दो तीन नहीं कर दी थी ना, चैन से नहीं बैठेगी मैं। अच्छा हुआ थी कल की आई छुटंकी, समझते क्या है अपने आप को? मेरा खेल खराब करेगी है, ताई का खेल। इसको ऐसी दुनिया से गायब करेगी मैं कि ये लोग गोल गोल ढूंढते रह जाएंगे। अभी ये सब क्या है रे? ये क्या मगजमारी लगा रखी है मेरे घर के बाहर? सफाई चल रही है ताई, गहरा गड्ढा है, ध्यान रखना, किसी को बाहर मत आने देना। अगर कोई बीच में गिर गया ना तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, समझी ताई? अच्छा ठीक है ठीक है, लेकिन तेरा काम होने के बाद इसको अच्छी तरह ढक देना, कोई ऐसी गलती से गिर गया तो बेमौत मारा जाएगा।